हेलो गाइस, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से रील्स वीडियो एडिट करना चाहती हो? तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो है आप अंत तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सल वे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जिससे कि हम फोटो एडिट करेंगे। तो आप सिंपली पिक्सल वे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप पिक्सल वे एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पर कर देना है क्लिक, और आपको यहाँ पर इमेज साइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज साइज को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर 1280 पर क्लिक करके इसको कर देना है कट। कट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर 720 टाइप कर देना है, और आपको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ फोर्थ नंबर वाले सेक्शन पर चले जाना है, और आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप कलर वाले ऑप्शन पर जाओगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है आपको यहाँ पर वाइट कर देना है। कलर को वाइट करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर कोने में देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर एक PNG ऐड करनी होगी, जिस PNG का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली उसी PNG को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप PNG को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इस PNG का साइज कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है। जैसे ही आप PNG के साइज को छोटा कर लोगे, उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से सेंटर में आपको कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, आपको सिंपली नीचे ए वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपको सिंपली इसको कर देना है कट। कट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है हैप्पी मकर संक्रांति। जैसे ही आप हैप्पी मकर संक्रांति टाइप कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद इस टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ला लेना है, और आपको यहाँ पर इंस्टॉल डाउन करना है, और आपको चले जाना है एबी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर। एबी फॉन्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर माई फॉन्ट पर चले जाना है। माई फॉन्ट पर जाने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ पर एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस फॉन्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इस टेक्स्ट का साइज कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है, और इसको अच्छी तरह से सेंटर में आपको कर लेना है फिक्स। तो मैं यहाँ पर सेंटर में फिक्स कर लेता हूँ। सेंटर में फिक्स करने के बाद आपको सिंपली इसी टेक्स्ट को फिर से कर लेना है कॉपी। तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इसको नीचे की तरफ लाना है, एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपको सिंपली इसको कर देना है कट। कट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है 14 जनवरी 2024। तो आप सिंपली इतना टाइप करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से आपको सेंटर में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है। जैसे ही आप सेंटर में फिक्स करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको चले जाना है एबी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर। एबी फॉन्ट पर जाने के बाद आपको माई फॉन्ट पर जाना है। माई फॉन्ट पर जाने के बाद अब आपको सिंपल यहाँ से किसी भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको सिंपली इसको भी कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से सेंटर में कर देना है फिक्स। सेंटर में फिक्स करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, और आपको यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिट वाले ऑप्शन पर, और इसको कर देना है कट। जैसे ही आप कट करोगे, आपको सिंपली यहाँ पर तीन इमोजी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सिंपली यहाँ से तीन इमोजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप तीन इमोजी को सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से ला लेना है, कुछ इतने में। जैसे ही आप नीचे की तरफ लाओगे, आपको सिंपल यहाँ पर स्टोल डाउन करना है, और आपको यहाँ पर लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 3D शैडो का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर 3D शैडो को कर देना है इनेबल, और आपको सिंपली इसकी जो ओपेसिटी है आपको कर देना है 100%। 100% ओपेसिटी को करने के बाद आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा और स्टोर लर्न करना है, और आपको सिंपली चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन पर, और माई फॉन्ट पर जाना है, और आपको सिंपली यहाँ पर एक फॉन्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको सिंपली कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इसको भी अच्छी तरह से सेंटर में कर लेना है फिक्स। जैसे ही आप सेंटर में फिक्स करोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है।
टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को नीचे की तरफ ला लेना है और आपको सिंपली जाना है एडिट वाले ऑप्शन पर। एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इस टेक्स्ट को कर देना है कट और आपको सिंपली यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की आईडी को टाइप कर देना है। तो मैं सिंपली अपनी इंस्टाग्राम की जो आईडी है, यूजर नेम है, मैं सिंपली उसी को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे ही आप टाइप कर दोगे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसको भी कुछ इस प्रकार से सेंटर में कर देना है फिक्स। सेंटर में फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल डाउन करना है और आपको चले जाना है ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर। और इसका जो फॉन्ट है आप किसी भी फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पर और इसका जो कलर है आपको यहाँ पर रेड कर देना है। कलर को रेड करने के बाद ओके कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर हैप्पी मकर संक्रांति वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली इसका भी जो कलर है आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप भी कर लीजिए। तो आपको सिंपली जो जो कलर आप रखना चाहते हो तो आप सिंपली कुछ इस प्रकार से कलर को आपने रख लीजिए। जैसे ही आप कलर को रख लोगे उसके बाद मैं सिंपली अपनी जो पतंग वाली पीएनजी है इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप पतंग वाली पीएनजी को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लोगे अब आपको सिंपली नीचे की तरफ फोर्थ नंबर वाले सेक्शन पर चले जाना है और आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली कस्टम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कस्टम को सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर देना है। सेव टू गैलरी करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों हमने जो इमेज क्रिएट किया हुआ है वह यहां पर सेव हो चुका है। तो अब आपको सिंपली चले जाना है अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर जिससे कि हम वीडियो अच्छी तरह से एडिट कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर। तो देखिए गाइस हम आ चुके हैं अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर। उसके बाद आप देख सकते हो आपको नीचे की तरफ प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर 9:16 को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे आपको नीचे की तरफ प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक सॉन्ग वीडियो दे दूंगा, तो आपको सिंपली उसी सॉन्ग वीडियो को यहाँ पर कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप सॉन्ग वीडियो को सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली इसी वीडियो वाली लेयर पर कर देना है क्लिक, आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर सबसे नीचे देखिए इस ट्रैक आइडियो का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको सिंपली वीडियो वाली क्लिप पर कर देना है क्लिक और इसको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है और आपने जो फोटो अभी अभी पिक्सल एप्लीकेशन से एडिट की है तो आपको सिंपली उसी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली उसी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप उस फोटो को सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर मूव एंड ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली थल वाले ऑप्शन पर जाना है और इसका जो साइज है कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप भी कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको चले जाना है इस प्रकार से लास्ट में। लास्ट में जाने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, तो आपको सिंपली इस एरो को कर लेना है सिलेक्ट। एरो को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों सॉन्ग के बराबर ही हमारी जो इमेज है वह भी हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक XML फाइल दे दूंगा, तो आपको सिंपली उसी XML फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप XML फाइल को सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर तीन लेयर देखने को मिल रही हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर थर्ड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है और आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी इफेक्ट कर लोगे आपको यहाँ से बैक जाना है और आपको सिंपली चले जाना है अपने प्रोजेक्ट पर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं सिंपली उसी प्रोजेक्ट पर चला जाता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपनी इमेज वाली लेयर पर कर देना है क्लिक, इफेक्ट पर जाना है और आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से फिर से बैक जाना है और आपको सिंपली उसी XML फाइल पर चले जाना है जो XML फाइल हमने अभी अभी ओपन की थी। जैसे ही आप उसी XML फाइल को ओपन करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लिक करके रखना है और आपको यहाँ पर दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप दोनों लेयर को सिलेक्ट करोगे आपको सिंपली यहाँ पर डबल बॉक्स वाला प्लस वाला आइकन दिख रहा है, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी टू लेयर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको सिंपली यहाँ पर
फिर से आपने प्रोजेक्ट पर चले जाना है जो हम क्रिएट कर रहे थे। तो मैं सिंपली उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर डबल बॉक्स प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, और आपको सिंपल यहाँ पर पेस्ट टू लेयर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पर जो रील्स वीडियो एडिट कर रहे थे वह यहाँ पर अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो आपको सिंपली इस रील्स वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में एक्सपोर्ट वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले आइकन को सेलेक्ट करोगे आपको सिंपल यहाँ पर फिर से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जो रील्स वीडियो एडिट किया हुआ है वह यहाँ पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।